तो यहाँ पे आइडिया ने अपना एक नया प्लान निकाला है जो कि 149 रुपये का प्लान है। और 149 रुपये का आइडिया की यह प्लान जियो और एयरटेल को काफ़ी टक्कर देने के लिए आइडिया निकाला है, लेकिन ये प्लान एकदम बकवास है। तो दोस्तों, इस प्लान को आपको रिचार्ज क्यों नहीं कराना है? अगर आप किसी रिटेल शॉप पर जाते हैं और रिटेल शॉप आपको इस प्लान की बड़ाई बताता है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस प्लान में क्या ख़राबी है कि आपको इस प्लान को रिचार्ज नहीं कराना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, कुछ ओवरव्यू आपको चेंज दिख रहा है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं अपने घर आ चुका हूँ, जिसकी वजह से बैकग्राउंड आपको चेंज मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आइडिया ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया जो है 149 रुपये का प्लान, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ है। लेकिन इस प्लान की वैधता आप जानेंगे तो नहीं रिचार्ज कराएंगे। दोस्तों, इस प्लान की वैधता है सिर्फ और सिर्फ 21 दिन। और यही बात करें कि इसी के टक्कर में एक एयरटेल का प्लान है जो कि 99 रुपये का प्लान है, और इसमें आपको मिल जाएगा 28 दिनों के लिए। तो कौन सा बेटर है? 99, 149 काफ़ी हद तक आप देख ही रहे हैं कि एकदम बेकार प्लान है। और इसमें आपको कुछ लिमिट है, अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, आप हफ्ते में सिर्फ 1000 मिनट ही यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में आप जो है 149 रुपये के प्लान में आप एक दो खराबी आप देख ही चुके हैं। वहीं बात करें जियो की, तो जियो भी आपको अनलिमिटेड का मतलब उसमें अनलिमिटेड मिल रहा है। लेकिन आइडिया की बात करें तो आइडिया 149 रुपये का है, और जियो की बात करें तो जियो 125 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगा, जो कि 28 दिनों के लिए है। तो ऐसे में आप आइडिया लेना चाहेंगे, आप कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।